सो गाइज, आपको तो पता ही होगा आजकल काउज और बफेलोज में जो लिम्फी स्किन डिजीज़ फैल रही है। आज की वीडियो में हम उसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि लिम्फी स्किन डिजीज़ रियलिटी में है क्या। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो डिजीज़ है ये कार्पीरोक्स वायरस की वजह से होती है और ये वायरस लगभग सभी काउज और बफेलोज में फैल रहा है। इंडिया में अब तक इस वायरस की वजह से 50,000 काउ की डेथ हो चुकी है। सेकेंडली, अब सवाल उठता है कि हम पता कैसे लगाएं कि हमारी काउ को डिजीज़ है या नहीं है। तो इसके मेजर सिम्टम जो हैं, इसकी वजह से जो काउ को है फीवर रह रहा है और उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कम हो जा रही है और उसकी पूरी बॉडी में पिंपल्स रह रहे हैं जो कि बाद में फट जा रहे हैं। अब थर्ड ये सवाल उठता है कि हम अपनी काऊ को बचाएं कैसे इस बीमारी से। तो इससे हमें पूरा अर्थ्रोपोड कंट्रोल रखना पड़ेगा, जैसे कि मक्खी मच्छर वगैरह जो हैं इनसे पूरा हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा काऊ को, और पूरी वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी तभी हमारी काऊ बच सकती है। सेकेंडली, हम पता लगाते हैं कि हमारा जो काऊ है वो इन्फेक्ट कैसे हो रही है इस बीमारी से। तो ये दो वजह से हो रही है, जैसे कि किसी मक्खी मच्छर ने आपकी काऊ को काट लिया और वो मक्खी मच्छर पहले किसी इन्फेक्टेड काऊ पे बैठे हुए थे, तो इससे हमारा जो काऊ है वो इन्फेक्ट हो सकती है। सेकेंडली, अगर हम किसी इन्फेक्टेड कैटल को अपनी काऊ के पास लेके आ गए तो उसकी वजह से हमारी काऊ इन्फेक्ट हो सकती है। सो गाइज, अगर आप अपनी काऊ को बचाना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाएं। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो।